नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। फिंगरप्रिंट चोरी करके ग्रामीणों के खाते से पैसा उड़ाने वाले चार सदस्यीय गैंग के अशोक, उपेंद्र, रणवीर व भरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ई गवर्नेंस सर्विस के लिए CSP के रूप में रजिस्ट्रार से गांव-गांव में कैंप लगाकर आयुष्मान व ई श्रम कार्ड बनाने के साथ डिजिटल साक्षरता अभियान से जुड़े हैं। आरोपी अब तक राय साइबर सेल में ठगी का शिकार हुए 26 लोगों ने शिकायत की है। इन लोगों के खाते से 5 लाख रुपए निकले हैं। आरोपी के पास से पुलिस ने 982 लोगों का डेटा जब्त किया है। ठगी में कियोस्क संचालक भी शामिल है। आरोपी फिंगरप्रिंट से ग्रामीणों के खातों से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर ठगी करते थे। सेल के SP सुनील अग्रवाल ने ग्रामीणों के खाते से पैसा निकालने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। यह शिकायतें डबरा की है। इन शिकायतों में एक बात समान थी कि इन ग्रामीणों के फिंगरप्रिंट चोरी करके यह ठगी की जा रही थी। यह तय था कि कोई गैंग डबरा क्षेत्र में सक्रिय है जो कि यह ठगी कर रहा है। इन शिकायतों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी कार्यवाहक निरीक्षक जितेंद्र तोमर एवं उप निरीक्षक शैलेंद्र राठौर को सौंपी गई। जांच में पता चला है कि आवेदकों के बैंक खातों के आधार पर इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम के उपयोग कर राशि निकाली गई है। हमारे पास 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 25 से अधिक ग्रामीण एक साथ फरियादी थे। सबकी शिकायत एक ही थी कि उनके गांव में कुछ समय पहले कुछ लोग फिंगर प्रिंट लगवाने आए थे, कुछ आयुष्मान कार्ड और ई श्रमिक कार्ड बनाने आदि के नाम पर। और उसके बाद 10 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में उनके बैंक खातों से, जो अलग अलग बैंकों में थे, उनमें से उनके पैसे विड्रॉ हो गए। किसी का 90,000 तो किसी का 30,000, ऐसे अलग अलग अमाउंट जिनके खाते में जो भी राशि थी वो विड्रॉ हो गई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फरियादी थे, टोटल अमाउंट 4 से 5 लाख के बीच का था। हमने इसमें बहुत तत्परता से और तेज़ी से टीम को लगा के कार्रवाई की। हमारी टीम ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की और उनको ट्रेस आउट किया। और ट्रेस करने के बाद जो 4 लोग इसमें इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए, उनको मैं सामग्री के जिसका यूज उन्होंने अपराध को घटित करने में किया था, उनको गिरफ्तार किया है। और सामग्री में 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, डोंगल और सिम आदि, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारा सामान जब्त किया हुआ। आरोपी गणों में से एक आरोपी जो CSC जो कस्टमर सर्विस सेंटर है उसका ID लेके रखा हुआ है, और वह गांव-गांव जाकर के ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत लोगों के रजिस्ट्रेशन किया करता था। इस कार्य के लिए उसको थंब इम्प्रेशन लोगों के लेना रहते थे। एक दूसरा जो आरोपी है, 2 आरोपी, उन्होंने इसमें जो बैंकिंग सिस्टम में AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से रुपये निकालने के लिए कियोस्क चलाते थे। जब इनका आपस में परिचय भी था, दोस्ती भी थी, आपस में इन्होंने एक बार प्लान किया, षड्यंत्र किया कि हमारे पास थंब इम्प्रेशन है, आपके पास इसका एजेंसी है, थंब से जो रुपये निकाल सकते हैं। तो दोनों ने मिलके, तीनों ने मिलके एक योजना बनाई कि हम इसके जो थंब इम्प्रेशन हमारे पास है इससे हम इनके खातों से रुपये निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक चौथे व्यक्ति को लालच देकर उसके नाम पर एक नया कियोस्क की ID बनवाई, एक फर्जी सिम प्राप्त किया और फर्जी एक बैंक खाता भी खोला। और इन सब का उपयोग करके जिनकी भी फिंगर इनके पास थी उनमें से करीब 40 के आसपास लोगों का पैसा इन्होंने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लिया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया। लगभग कितना पैसा अभी तक ये ट्रांसफ़र कर चुके? हमारे पास जो जानकारी है उसके लगभग 5 लाख के आसपास रुपए इन्होंने लोगों के ट्रांसफ़र किए हैं। तो अभी इनके कितना पैसा बरामद किया? पैसा तो अभी हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, हम इसके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं।